अस्सलाम वालेकुम, मैं कुबरा खान। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गुड इवनिंग एंड स्टार प्लेयर। और आज का शो देर से शुरू करने के लिए सॉरी, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे मुझे पता चला है, लेकिन उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारी टीम ऑन टाइम होती है, हम अक्सर लेट आ जाते हैं, ट्रैफिक मिलता है। भाई ऐसी बात नहीं है, हम रह रहे हैं कराची में और पाकिस्तान में, हमारे मेयर साहब इतना चीख रहे चिल्ला रहे हैं, ना सड़कें हैं ना रास्ता है ना जगह है, तो कुछ ना तो हमें भी मार्जिन मिलना चाहिए इस बात का। बहरहाल हम यहाँ पर आज आए हैं 1 करोड़ रुपए उस बंदे को देने के लिए जिसमें उसे हासिल करने की जुस्तजू के साथ साथ गट्स भी मौजूद हैं। यानी कि अगर वो शार्पली और स्मार्टली खेलता है तो यहां से 1 करोड़ रुपए इनमें से किसी एक बैग में रखे हुए ले जा सकता है। डिपेंड्स करता है कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी, गेम स्ट्रेटजी बनाता है और गेम प्लान को फॉलो करता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बुलाएंगे आज के स्टार प्लेयर को जिनका नाम है पारस। अस्सलामुअलैकुम पारस, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अपने बारे में कुछ बताइएगा। पहले शुरू करते हैं आपके नाम के मतलब से, क्या मतलब है आपके नाम? पारस का मतलब ये है कि किसी चीज को हाथ लगा दे तो सोना हो जाए। अच्छा जी, तो मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, सॉर्ट ऑफ समझ लें। ऐसा ही है, समझ लें। किसी भी चीज को आप हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, फिर हाथ मिलाए देखना लाइट के इफेक्ट आ रहा ना। अच्छा ये इफेक्ट, अच्छा अच्छा ये वाला सोना, जैसी तब्दीली मुल्क में आई है वैसा ही सोना आ रहा है। एग्जैक्टली, चले अच्छी बात है। तो क्या करते हैं पारस, अपने बारे में बताएं। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, सैबिस से। अच्छा, वेरी गुड। फाइनल ईयर चल रहा है वहाँ पे, और के साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। सोशल एक्टिविस्ट भी है? कोई पार्टी? नो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कौन सी? यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट, तो क्या करती है आपकी पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बेसिकली ये कि खासकर यंगस्टर्स को चांस देती है कि वो अपने स्किल्स को जो है वो किसी स्टेज पे आके जो है वो दिखाए। ठीक है, उसमें ये कि सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गई, डिबेट हो गया, और सोशल वर्क हो गया, इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो हम बेसिकली उस पर काम करते हैं। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, मेरी अपनी नहीं है। बेसिकली आज न्यूज के एंकर है रिजवान जाफर। हां बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि रिजवान जाफर की है ना। जी बिल्कुल, उनका मैं बेसिकली ऊपर सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, सिंध के प्रेसिडेंट आप हैं, तो आगे मुस्तकबिल में आप अपने आप को पॉलिटिक्स में देख रहे हैं? फैमिली तो अलाउ नहीं करती मुझे पॉलिटिक्स में जाना, वो तो हम फैमिली से पूछ लेंगे, फैमिली के साथ है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा तो है कि अपने खासकर अपने सिटी के लिए और अपने मुल्क के लिए बेटरमेंट के लिए काम करना होगा। जहाँ चाहिए होगी पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट, वहाँ मैं अपनी 100% दूंगा वहाँ पे। अच्छा, यानी शुरू से आपने सोच लिया था पॉलिटिक्स में जाएंगे, इसीलिए आपने ज़ैबिस ज्वाइन की? नहीं, इससे मुराद ज़ैबिस से मुराद नहीं है कि हाँ पक्का कंफर्म। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने इकरा ज्वाइन नहीं किया ज़ैबिस में। इकरा में मेरा कजन है ऑलरेडी, सो कजन है ना भाई। बस ज़ैबिस इकरा का क्या करेंगे, क्या कहाँ देख रहे हैं, क्या बनेंगे तो आप मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं? सदर वो तो आजकल देख लें आप कैसे घूम रहे हैं, आपको लगता है सदर बन के कुछ नहीं है? कुछ फायदा नहीं होगा। बेसिकली ये क्या बनेंगे, मतलब कोई एम क्या रखा हुआ है कि भाई मैं ये बनूंगा तो मैं मुल्क को बदल दूंगा? देखिए, पहले तो खुद को जो है एक स्टेज पे लेके आना है मुझे। कौन से स्टेज? मतलब कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में मैं बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। उसमें ये कि मैं अपना ही एक सेटअप सॉफ्टवेयर हाउस बना के वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉइंग जो करके उनको उनके जो है एक लेवल। लंबा प्रोसेस है यार, लंबा, इतना टाइम लंबा किसके पास है? लंबा प्रोसेस। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये कि कह सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का तो कोई इरादा नहीं है बेसिकली। अच्छा। क्यों, उस अभी जो हालात देख रहे हैं हम, उससे तो कोई मेरा दिल ही इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं जो है किसी पॉलिटिकल को ज्वाइन करूं। बट ये कि होप सो इसी हमारे सोशल वर्क को कंटिन्यू करके लोगों का जो है एटलीस्ट सोशल वर्क से जो है वो मैं बेटरमेंट ला सकता हूं। अच्छा चलें, अच्छी बात है। 1 करोड़ रुपए यहां से आज आप जीत जाते हैं तो उसका क्या करेंगे? देखिए, मेरा जो एम है वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाना। अभी आप कह रहे थे आप सोशल वर्क करते हैं, अब आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस बनाना, कंफ्यूज हैं आप? नहीं देखें, सोशल आपकी जितनी बातें हुई हैं, जितना आपने भाषण यहाँ पे दिया है, हमें तो लगा 1 करोड़ रुपए आएंगे, 99 लाख रुपए आप किसी को चैरिटी कर देंगे, लाख रुपए देखे ना पढ़ाई करेंगे। मैं देखे ना, मैं यही करूंगा, दोनों चीजें रखूंगा इसमें, सोशल वर्क भी रखूंगा और अपना अपना डोमेन भी रखूंगा इसमें। ये कि हाफ ऑफ करके सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए यार, उसमें मल्टीपल लोग भी चाहिए, उनको भी तो हायर करने के लिए मल्टीपल एक जगह चाहिए होगी, सॉफ्टवेयर और मल्टीपल पीसीज वगैरह चाहिए होंगे, तो उसमें भी जो है खर्चा आता है, सारी चीजें होती है। 1 करोड़ रुपए यहाँ से जीत गए तो आप अपना ऑफिस खोलेंगे और उस पे पैसे लगाएंगे। Exactly. ठीक है, वहां से कमाएंगे और फिर सोशल वर्क में चैरिटी कर देंगे। Exactly. ऐसा ही है ना? Exactly. हमें समझ आ गया, इसमें टेंशन हम नहीं लेते हैं। और फिलहाल हम वेलकम करते हैं उन्हें जिनके वजूद से हमारी कायनात में रंग है, हमारी स्पेशल 26 लड़कियां। और अब
बहुत ही तेजी के साथ मैं आपको बताता हूँ हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है गेम का, वो है ये, इस स्क्रीन पे अभी नजर आएगा। 26 बैग्स हैं हमारे पास, जिसमें 500 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की रकम हमने रखी हुई है, इन्हीं हिंसों में मौजूद है। अभी आपको जिस बैग में लगता है 1 करोड़ रुपए हैं, वो बैग आप अपने पास मंगाएंगे, वो हो जाएगा आपका लकी बैग। उसके बाद रह गए हमारे पास कितने बैग्स? 25 बैग्स को हम राउंड्स की सूरत में खोलेंगे। किस राउंड में कितने बैग्स खुलने हैं वो मैं आपको राउंड के शुरू में बताऊंगा, लेकिन राउंड खत्म होने पर बैंकर की एक कॉल आएगी आपको इस फोन पर, जिसमें वो देगा आपको एक डील। अगर आपको लगता है डील अच्छी है, आप अच्छा नहीं खेल रहे, डील पकड़ें, बजर बजाएं और घर चले जाएं। अगर आपको लगता है नहीं, आप यहां से ज्यादा पैसे ले जा सकते हैं, नो डील करें और गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? किसी भी टाइम पे आपको लगे आपका बैग जो आपने चूज किया उसमें ज्यादा अमाउंट नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज एक से ज्यादा मर्तबा भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं शुरू से। लेकिन ये बताइए आज आप आए किसके साथ? मेरे अम्मी अबू हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। और मेरे बड़े भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। और मेरा कजन आया। कजन साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक उठाएं भाई। कौन कौन बताएगा, इनकी खुसूसियात बताएं भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्रान है। हाँ, मित्रान। मित्रान जी, ये पारस है, आप मित्रान है। मित्रान का क्या मतलब होता है? लवर। लवर जी, क्या बात है सर, एक छू के सोना कर रहा है, दूसरा लवर है। अंकल इतना रोमांटिक नाम आपने कैसे सोचे, जरा अंकल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। अंकल नाम आपने रखे इनके? बस हमारे बड़ों ने रखे। सर इतने रोमांटिक नाम, मतलब क्या रोमांस भरा हुआ है नामों में? नामों में होता है, एक छू के पारस कर रहे हैं, इसका मतलब लोहे को लगने से सोना बन जाता है। हाँ बिल्कुल, पुराने जमाने की असलियत थी, अभी सारी जैसी तब्दीली आई है उस तरीके की बातें, उसमें यही होगा। सही, तो जिसको हाथ लगाओ मेला हो जाता, सोना नहीं होता क्या? तो ये इनका नाम आपने लवर रख दिया, इनकी शादी करा दी? शादी अभी ढूंढ रहे हैं, लड़की नहीं। ये कैसा मित्रान हुआ? अल्लाह करेगा हो जाएगी। भाई खुद से ढूंढिए कोई मित्रान सा, मिल जाएगी। है माइक में बताए ना। रेंज में अभी तक कोई नहीं है। रेंज में कोई नहीं है, रेंज में आप अब्बा की आए में एक आएगा गुद्दी पे। हाँ थोड़े दूर होके, पर रेंज से बाहर होके बात करेंगे वाली पर। तो इनको जब भी आपकी हेल्प रिक्वायर्ड होगी, ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप इनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम गेम शुरू करें सर। फारस साहब क्लियर है? क्लियर। तो बताइए पहला बैग जो कि आपका लकी बैग होने वाला है वो कौन सा होगा? 2। नंबर 2 क्यों? बेसिकली मेरा स्टार जो है कैंसर है। कैंसर है, तो मेरे जो इवन नंबर्स खासकर मेरे बड़े ही जो है लकी होते हैं मेरे लिए हमेशा, तो इसलिए जो है मैं स्टार्टिंग में देख रहा हूँ कि इन द फ्रंट ऑफ। अच्छा, तो आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं? नॉट बिलीव नहीं करना, बट ये तो कि फिर 1 करोड़ रुपए के लिए आप क्यों नंबर 2 मंगा रहे हैं जो कि आपके स्टार में? स्टार में तो बहुत सारे और नंबर्स भी हैं जो मेरे लकी नंबर, इवन नंबर्स तो बहुत सारे आते हैं। आपने 2 चूज किया है, क्या वजह है? स्टार की वजह तो नहीं हो सकती, क्या है असल में? गर्लफ्रेंड का बर्थडे? नहीं, मेरी जो बर्थडे आती 22 को आती है। अच्छा, आपने अपनी बर्थडे रख ली, बर्थडे को 22 आती है, तो मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। 22 मौजूद है, 22 मौजूद है, बट मैंने कहा 2 को प्रेफर किया, लास्ट में 2 जो आता है वो कौन मेरा महीने की 22 है? जून की, जून की 22, तो 6 मंगा लेते। नहीं बट 2 है, जस्टिफाई नहीं हो रहा है पारस, कोई गड़बड़ है 2 में, अम्मी अब्बू के सामने नहीं बताना चाह रहे हो, क्या बात है? 2 जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, 2 भाई लड़की हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 2 जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। 2 लकीली नंबर है, बस लकी है ना, लकी है, देख रही है ना, बट ठीक है वो देख रही होगी लकी। ठीक है, नंबर 2, बहुत सारी तालियों में इन तक पहुंचाइएगा इनके 1 करोड़ रुपए। थैंक यू, ये आ गए आपके 1 करोड़ रुपए आपके पास। और अब कितने बैग्स रह गए वहां? 25 या तो पहले राउंड में पारस साहब खुलेंगे 6 बैग्स। ठीक है, पहला बैग खुलवाने के लिए आप तैयार हैं? या। बताइए फिर कौन सा होगा पहला बैग? 16। नंबर 16। नंबर 16 खुलवा दूं? 16। अंकल भी 16 कह रहे हैं और 16? मिद्रान जी बिल्कुल, मिद्रान। हाँ 16, मिद्रान 16 जी। ठीक है जी, तो लवर बॉय की तरफ से देखते हैं पारस। 16। नंबर 16 प्लीज ओपन इट। लाख रुपए आते ही पहले ही बैग में आपने गवा दिए, अब आपके पास 75 लाख नहीं है। ठीक है पारस, ओके। अगला बैग कौन सा होगा? इसलिए कहते हैं इन्होंने नंबर 16 कहा था ना, तो आप वो कहते जो आपको सही लग रहा था, आपने नहीं, नहीं भाई ने कह दिया, वो हौसला अफजाई कर दी। ये नहीं है इस गेम का फॉर्मेट, ये नहीं है। नंबर 7। नंबर 7। सेवन हाँ जी, नंबर 7। सेवन
सेवन खुलवा दें जी. ओके नंबर सेवन प्लीज ओपन. अच्छा अच्छा वेट 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 एक मिनट वेट एक मिनट वेट मिनट बंद करो बंद करो बंद करो. नहीं सेवन नहीं सेवन नहीं सेवन नहीं. 24 बताएं व्यापार साहब. 24 चॉइस कर लो वैसे वो खुद कंफ्यूज है अपने नंबर्स में. सेवन खुलवाना चाह रहा है फिर कह रहा है 24 फिर कह रहा है खुद सोच देख. सेवन खोल दें. सेवन खोल लो. सेवन ठीक है जी. इन्होंने सेवन फाइनल कर दिया है. सेवन खुलवा देते हैं. नंबर सेवन प्लीज ओपन इट. 35 लाख 75 लाख के बाद 35 लाख भी निकाल दिए. अंकल क्या कर रहे हैं आपके बेटे मिल गए. क्या कर रहे हैं. पचहत्तर लाख भी निकलवा दिए 35 लाख भी निकलवा दिए. अब अगला नंबर पीछे ऑडियंस में से पूछते हैं ठीक है ना. माइक दें पीछे मिदरान माइक दें. उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या नाम है आपका. अदनान. अदनान साहब बताएं इनको कोई नंबर. नंबर सेवन. नंबर सेवन खुल गया 35 लाख भी निकल गए. माइक बराबर में दे दें. हाँ जितना कंफर्टेबल आप बैठे ना उतने कंफर्टेबल है. 22 को तो ये पैदा हुआ था लड़का. ये 22 खुलवा दूं. नहीं वो कह रहे हैं 22 आप नहीं कह रहे. 22 क्यों कह रहे हो भाई. 22 क्या होगा. 5,000 होंगे जी. 500 नहीं होंगे. आई थिंक 500 या 5,000 होंगे भाई वो कह रहे हैं. है क्या 22 में. 22 खुलवाना है. चलिए खुलवा दें. खुलवा दें. इसकी आजमाइश देख लेते हैं. आजमाइश देख लें ऑडियंस की. नंबर 22 प्लीज ओपन इट. 75,000 वेरी गुड. आपके घर वालों से तो अच्छा ऑडियंस के साथ मिलके खेल. 3 बैग्स रह गए इस राउंड के. बताइए आप कौन सा खुलवाएंगे. नंबर 18. नंबर 18 अरे पहले से सोच के रखा होता. या है इतना क्विक. यस नंबर 18. ओके नंबर 18 प्लीज ओपन इट. 50,000 वेरी गुड. अब रह गए इस राउंड के 2 बैग्स. दोनों बैग्स एक साथ बताएं. दोनों साथ. दोनों बैग्स एक साथ बताएं. 14 और 1. घर वालों से पूछना है. ऑडियंस से पूछना है. कैमरामैन से पूछना है. 14 और 1 से बोले. 14 और 1 2 14 और 1 14 और 1 दो डब्बे. मेरे हिसाब से 8 कर लो. 8 और 5 इनके हिसाब से 8 और 5 है भाई. कर लें 5. कजन से पूछ लो. कजन तुम्हें तो नाम पता होगा उसका. नीरज. नीरज से पूछ लो. क्या नाम है. नीरज. 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 यस. अच्छा नीरज बताओ. आई थिंक गो फॉर 5 एंड 8. नीरज का कहना है 5 एंड 8. मिर्दान का भी कहना है 5 एंड 8. 14 और 8 खोलना. 14 और 8. यस. ओके नंबर 14 प्लीज ओपन इट. देखते हैं 14 में क्या है. 1,000 12 वेरी गुड. और अब लास्ट 8 बैग इस राउंड का नंबर 8 प्लीज ओपन इट. क्या जा रहा है. 1,00,000 वेरी गुड वेरी गुड. शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी लेकिन पारस आगे चल के हमें काफी कुछ अच्छे नंबर्स मिल गए जो कि आपने अपनी फैमिली और ऑडियंस के साथ मिलके खुलवाए. ठीक है जी. अब बैंकर की ऑफर आने वाली है. ओके ऑफर लेते हैं. अगर लग रहा है कंफ्यूज हो नर्वस हो ऑफर लेके. हेलो. ओके भाई पारस साहब बैंकर को ऐसा लग रहा है कि आप जो है सोशल वर्क वगैरह करने के मूड में हो नहीं. वो हम रिजवान जाफर को करने देते हैं. आप यहां से अपने सॉफ्टवेयर ऑफिस के लिए जो है सॉफ्टवेयर हाउस के लिए पकड़े 20,25,000 रुपए और जाए घर. क्या ख्याल है. नहीं मेरे हिसाब से नहीं. नहीं डील नहीं लेना. डील नहीं लेनी. नहीं आपकी मर्जी. नो डील. आपको लेनी है डील. नो डील. नहीं लेनी. डब्बा कर दीजिए बंद. अगर नो डील है तो नो डील. हम गेम कंटिन्यू करेंगे और खुलवाएंगे इस राउंड में 5 बैग. ठीक है जी. 2 बैग एक साथ खुलेंगे. बताइए कौन से होंगे. आप बताएं. फैमिली से पूछें ऑडियंस से पूछें जिससे दिल करे पूछें.
बताइए होंगे कौन से? 12, नंबर 12. दो बताने हैं. दो बताने ना, नंबर 12 और 5. भाई पिछले राउंड में आप 8 एंड 5 खुलवा रहे थे ना, तो 8 खुल गया, 5 बाकी है. नंबर 12 और 5. 12 और 5. 12 में क्या है और 5 में क्या है? 12 5 की बात नहीं बन रही. आपके कजन का क्या नाम है? नीरज. नीरज, नीरज कैसे हो तुम? माइक में बताओ. अल्लाह का करम, आप सुना? ठीक ठाक, फिट, बेहतरीन. तुम्हारे मोबाइल की टॉर्च खुली हुई है. ओके, थैंक यू. बिजली बचाओ अपने लिए, कॉम के लिए. जी, 12 और 5. 12 और 10. 12 और 10? Yes. Okay. Yeah, sure. Done. 12 और 10. दोनों में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है. अगर चेंज करना है तो कर लो. कौन सा करोगे? पीछे ऑडियंस में माइक दो, पूछते हैं भाई 12 और 10 में से कौन सा चेंज करना चाहिए. हाँ साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर. अब्दुल खालिद. अब्दुल खालिद साहब बताइए. अब्दुल कादिर. अब्दुल कादिर भाई बताइए कौन सा बैग चेंज करें. 15 नंबर यहाँ लाए, 2 नंबर वहाँ ले जाए. 15 नंबर यहाँ लाए, 2 नंबर वहाँ ले जाए. वो तो कह रहे हैं एक्सचेंज कर लो भाई 15 से. एक्सचेंज नहीं करना. एक्सचेंज नहीं करना है. चले पीछे दे, पीछे. हाँ भाई, क्या नाम है आपका? चेंज करना चाहिए. नाम तो बताओ यार. जमशेद. जमशेद भाई बताओ, 10 और 12 दोनों में से कोई बैग इन्हें चेंज करना हो तो कौन सा करें? 10 नंबर. 10 नंबर चेंज करें भाई. वो कह रहे हैं 10 नंबर चेंज करें. माइक आगे भेज दे. 12 and 5 भाई की बात. ओके, लॉक्ड. नंबर 5, प्लीज ओपन इट. देखते हैं भाई क्या कह रहे थे. छह लाख. वेरी गुड. भाई ने कहा सही. और अब देखते हैं नंबर 12, आपने सही बैग चूज किया है या नहीं. नंबर 12 प्लीज ओपन. 30 लाख रुपए चले गए. लेकिन 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 पारस साहब, सोचने की बात यह है कि क्या ये वो अमाउंट है जो कि इन दो बैग्स में बड़ा था, या जो नंबर 10 आपने छोड़ा है उसमें वो अमाउंट मौजूद है जिसका मैंने आपसे कहा था कि बड़ा अमाउंट बाकी है. ये आप सोचते रहिएगा, ये आप सोचते रहिएगा. अब ये सोचते हुए आपने बताना है हमें कि आगे कैसे खेलना है. फिलहाल सायरन बज चुका है और सायरन बजने का मतलब ये है कि आपके रेस्क्यू का वक्त हो गया है. रेस्क्यू स्टार प्लेयर के लिए इनमें से कोई एक पर्सनालिटी यहां पर मौजूद है. एनी गेसेस के आज कौन आ रहा है पारस आपको बचाने? मथीरा. क्यों ऐसा लगा आपको? माइट बी मथीरा और कुबरा खान में से कोई. क्यों, लड़के क्यों नहीं बचा सकते आपको? लड़के, लड़कों को लेके इतना डर क्यों है दिल में? नहीं, वो हमारे जावेद जो है वो हमारे बड़े सीनियर जो है शेख साहब हैं. शेख साहब हमारे, वो शेख साहब जो है वो आपको पता ना शेख आखिरी में आ रहा है तो इससे तो इसलिए आप घबरा रहे हैं. हाँ, तो उमेर जसवाल के नाम में तो कहीं शेख भी नहीं है, फिर क्यों घबरा रहे हैं? उमेर जसवाल सिंगिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं. अच्छा, और जो है आपको बचा नहीं पाएंगे वो. हाँ, रेस्क्यू अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपने खुद सोच लिया है. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द गॉर्जियस मथीरा. वालेकुम अस्सलाम मथीरा. प्लीज, कैसे हैं आप? क्या हाल है मथीरा आपका? खैरियत से आप? ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. पारस हमारे साथ खेल रहे हैं. कैसे खेल रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं अभी तक. आपने इन्हें रेस्क्यू करना है. ओके, और डूबने से बचाना है आपने इन्हें. चलो हम इन्हें खिलाना सिखाते. तीन बैग्स जो हैं वो, दो बैग्स एक्चुअली खुल चुके हैं और तीसरा बैग अभी इन्होंने खुलवाना है एक. तब तक आप जरा सेटल हो जाइए और सेट होने के बाद जो है वो आप अपना बैग बताइएगा. ठीक है? आप तब तक आप सेट हो जाएं आराम से. मैं सेट हूँ. आप सेट हैं? आप अपसेट क्यों हैं कि मैं सेट हूँ? मैं अपसेट क्यों होने लगा? आप सेट हैं बस, काफी है. हम बाद में पूछ लेंगे किसके साथ, फिलहाल हम बैग पूछते हैं. पारस, एक बैग आपने बताना होगा खुद, उसके बाद मथीरा जो है वो आपको बताएंगी कि कौन सा बैग खुलेगा और कौन सा नहीं. नंबर 3. नंबर 3. नंबर 3 आप खुलवाना चाह रहे हैं? यस. ओके मथीरा, आप इसमें कोई इनपुट नहीं दें, अगले बैग में. हाँ हाँ, ठीक है. नंबर 3 प्लीज ओपन इट. 5,000. क्या बात है मथीरा के आते ही आपकी किस्मत पलट गई. तो क्यों ना हम आपकी पलटी हुई किस्मत को ऐसे ही चलने दें
और yes. अगले दो बैग जो इस राउंड के रह गए हैं वो दोनों बताएं हमें मथीरा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो. आंटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मथीरा बताएं तो. आंटी बताएं, माइक में बताएं. नहीं भी, हम तो बचाने आए हैं ना. कोई मसला नहीं है. कोई मसला तो नहीं है ना आंटी? मथीरा आ रही है. नहीं कोई बात. ठीक है ना, बता रही है मतलब वो सिर्फ बचाने आ. हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मथीरा आ रही है रेस्क्यू करने के लिए. वो बचाएंगी. ठीक है जी. हाँ बच्चा इन सेफ है जी. I think number 15. Number 15 और? And 21. 15 और 21. मथीरा कह रही है 15 और 21. आपका क्या ख्याल है पारस साहब? I think इसी ख्याल. पारस हैं. इनके नाम का मतलब है ये छू के सोना कर देते हैं. Oh. हाँ. Nice. हाँ. अच्छी बात है. That's good. मैंने चेक किया. It's a, गलत आप है. आप सोना हुए? नहीं. आपको सोना हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ. ना सोना हुआ ना सोना हुआ, कुछ नहीं हुआ. ये शायद आपको अभी जाएंगे ना तो आप फेक मतलब इन्होंने अपने नाम का जो है वो बना के रखा हुआ है. कुछ नहीं हो रहा है. बहरहाल 21 और 15 खोल दिए जाए. यस. नंबर 15 प्लीज ओपन इट. नंबर 15 25,000. वाह वेरी गुड. एंड नाउ नंबर 21 प्लीज ओपन इट. 500. क्या बात है, ये राउंड हो गया कंप्लीट. और आप चार्ट चार्ट लगाते हैं पहले मथीरा को दिखा तो दें कि इस वक्त क्या चल रहा है गेम में. अच्छा, अच्छा चल रहा है. बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि 500,000 और इसके अलावा 25, 50, 75, 1 लाख ये सारे अमाउंट गेम से निकल चुके हैं और वहां गए हैं सिर्फ 75 लाख और 35 लाख. 30 लाख भी गए लेकिन अभी आप गेम में इन हैं वो भी शदीद तरीके से क्योंकि जब तक 1 करोड़ रुपए बाकी हैं तब तक गेम आपकी है. तो अब देखते हैं कि आप आगे आने वाले राउंड में अगर ये डील नहीं लेते तो कितने बैग्स खुलवाते हैं जो कि बड़े अमाउंट्स के होंगे क्योंकि छोटे अमाउंट के बैग ज्यादातर खुल चुके हैं. अब जो बैग्स खुलेंगे वो बड़े अमाउंट्स के ही होंगे. तो लेते हैं पहले बैंकर की ऑफर और फिर बढ़ते हैं हम आगे. तब तक मथीरा हमें गाना सुनाएंगे. आगे घंटी बज गई है हमने कट कर दिया. नहीं 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 मथीरा का गाना सुनेंगे. इस तरह नहीं फसाते फहीम. नहीं फसाते नहीं. मैं देखिए मैं शरीफ आदमी, मुझे फसाना आता ही नहीं है. आप गाना सुना दे. आप मुझे फसा रहे हैं. कोई उर्दू गाना? नहीं नहीं ना. पाकिस्तानी गाना? नहीं. इंग्लिश गाना भी नहीं सुनना हमें. ये वतन हमारा है. नहीं गाना सुना मिली नगमानी. ओह दैट्स अ मिली नगमा. हां गाना चंद बैग्स की बात कुछ. अच्छा चलें ठीक है सही है. में अभी के लिए आप सुना दे. 75, 35 और 85 कह दीजिए. 75, 35 और 85. वेरी गुड. अब हम बैंकर की कॉल लेते हैं. क्या था? नहीं उमूमन उर्दू जो है वो मदीरा से बोली नहीं जाती इसलिए. हेलो जी. ओके राउंड बहुत अच्छा खेला आपने और मथीरा ने जो आपकी हेल्प की है उसके बाद बैंकर कहता है छोड़े 20,25,000 27,80,000 रुपए लें और घर जाए. 27,80,000 फैमिली को क्या लगता है इन्हें ऑफर लेनी चाहिए डील करनी चाहिए? नहीं मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए. आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए. ऑडियंस को लगता है इन्हें डील लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? नहीं भाई ऑडियंस भी कह रही है नहीं लेनी चाहिए. वैसे आप मुझे बता 1 करोड़ के साथ क्या करेंगे? ड्रीम्स क्या है? गोल्स क्या है? ड्रीम्स ये कि सॉफ्टवेयर हाउस जो है मुझे खोलना है अपना और साथ में जो है सोशली मैं खुद सोशली काम कर रहा हूँ बेसिकली उसमें जो है डोनेट करना है. ओके दैट्स नाइस डोनेशन. आपने सीवीयू की सफाई की? यस. है या वेरी गुड. कराची का कचरा उठाया? हाँ मेरे कराची साथ डिफरेंट जगहों पे हम गए थे और किया ये प्रोग्राम. कराची उठाया ना कचरा उठाया ना बट ठीक है. और आपने क्या क्या सोशल वर्क किया बताएं जरा हमें. सोशल वर्क गिनवाएं. सोशल वर्क में ये कि हमने जो है रमजान में खासकर जो है इफ्तार दस्तरखान लगवाए. इफ्तार दस्तरखान लगवाए वेरी गुड. और इसके अलावा ये कि मल्टीपल इवेंट्स करवाए हैं हमने जो है सोशल वर्क के. सोशल वर्क क्या? अवेयरनेस प्रोग्राम इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर हो गया. इसमें जो रिसेंट बच्चों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन के ऊपर हो गया लिटरेसी के ऊपर हो गया इस तरीके से सेमिनार कराया. ये जो है आर्ट काउंसिल में करवाए हमने. अच्छा. इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम से वगैरह में हमने करवाए हैं और इस तरीके से डिफरेंट. तो पढ़े लिखे लोगों को आपने ये बताया है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है? हाँ पढ़े लिखों के अलावा जो जो नीचे का तबका है खासकर जो गरीब है. मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ अंकल की 1 करोड़ रुपए सही हाथों में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा अच्छा काम कर रहा है. अच्छे काम कर रहा है. और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर दुआ करें कि अगर मिल जाए 1 करोड़ रुपए तो आगे खिदमत खल्क में. अगर नहीं भी मिला अच्छे अच्छे अमाउंट है बिल्कुल बड़े अच्छे अच्छे
है और डीलर हमेशा एक अच्छी डील ऑफर करता है, अच्छी डील ऑफर कर रहा है और अभी भी अच्छी डील ऑफर की गई है। अब आप बताइए 27,80,000 रुपए नहीं बंद कर दीजिए, डब्बा खुलेंगे चार बैग दो दो करके, पहले दो बैग आप बताएंगे पारस। फैमिली से पूछ सकते हैं आप, मथीरा इसमें कुछ नहीं बताएंगी। अगर आप मुंह पढ़ सकते हैं तो 13 नंबर है, बहुत भारी 13 का नंबर भारी है ना, तो वो क्या हो गया तुम बताओ। 4 and 23 रकम ना भारी। 4 and 23 या ओके, उन्होंने 13 वैसे ही चेंज कर दिया, उन्होंने 3 और 1 को प्लस कर दिया और 13 बना दिया, तो 13 को प्लस करके 4 बना दिया, ठीक है। 4 and 23 ओके डन फाइनल। तो पक्का है 13 मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा वैल्यू होगी उसके अंदर। हाँ तो फाइनल कॉल आपकी है, चैलेंज ओके 4 and 23 ओके, अगर चेंज करना तो बता। 4 और 23 कर लो, 4 और 23 कर लें। घबराहट लग रही है, लंबी लंबी सांस लें। 4 and चलो खोल लो, और भी है बैग। 4 and 19 अच्छा वो आप 23 को हटा, 4 and 19 फाइनल फाइनल ओके। तो पहले खुलवाते हैं नंबर 19 जिसे फाइनली चूज किया गया है सबसे आखिर में। नंबर 19 प्लीज ओपन इट। 20,000 क्या बात है, व्हाट अ चेंज, व्हाट अ मूव, सांस पहले से दिमाग चलता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन चला गलत डायरेक्शन में। नंबर 4 प्लीज ओपन इट, अभी पता चल जाएगा। हाय नंबर 4 प्लीज ओपन इट, 60,00,000 रुपए चले गए। आपने चेंज तो किया बैग लेकिन 23 चेंज कर दिया, आपको 4 चेंज करना चाहिए था भाई। बार बार मैं जो पूछ रहा था पक्का फाइनल, वो इसके लिए पूछ रहा था। तभी कहते हैं फैमिली का सुन लिया करो। हाँ तभी कहते हैं फैमिली की सुन लिया करो भाई, बच्चे ने बस एक ही फाउल मारा है। हाँ उसने खुद 75,00,000 75,00,000 उसने निकलवाया, कह रहा है ना, ये बात कह रहा है। इंसानों से ही होती है गलती, तो इंसानों से ही होती है यार। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। अच्छा ये तो पारस है ना, पारस पारस तो एक परिंदा होता है, समंदर का परिंदा होता है, जो समंदर का? इसके लिए मिथ है कि वो किसी चीज को छूता है तो वो सोना बनता है। कहाँ मिलेगा ये पारस, किसी को नहीं मिलता नहीं मिलता किसी को नहीं मिलता ये मेरा भाई है ना ये मिल गया आपके बराबर में ही है। हाँ वो देखे, नहीं रिश्ता करवाने बैठ गए। दो बैग और खुलवाने, ठीक है जी। तो एक बैग जो है वो मथीरा से पूछ लेते हैं, कौन सा okay. एक पारस आप बता दीजिए okay. मथीरा कौन सा बैग पहले और फैमिली ने 13 का हुआ है तो दोनों अगर 23 वो कोने वाली होता है ना वो बेचारी कोने में, मैं वो बीच वाली की तरफ जाऊंगी। 24 ओके, इतनी सारी बीच में आपको कोई नजर नहीं आई, वो आखिर में 24 अकेली कैसे हो सकती है मेरे लिए वो अकेली नसीब, क्यों वो अकेली है मुझे ऐसा लगा। 3 बैग्स लाइन से हैं, उसी लाइन में 3 लड़कियां खड़ी हैं और अकेली कैसे हो गई ना। मैं लॉजिक कंफर्म करना चाह रहा हूँ, अगले के पैसे लगे हुए लॉजिक क्या है यार, बिस्मिल्लाह करो बस। 24 हम बचा रहे हैं, नंबर 24 और नंबर 9 ना नंबर 13 ना नंबर 23 कोई नहीं, नंबर 9 पक्का फाइनल है। भाई भाई को कहना है कुछ समझाना है, फैमिली के अभी भी नहीं मान रहा। मैं 13 कह रहा हूं, अभी भी वो अभी भी 13 कह रहे हैं, देखो मान सुन लो। 24 और 13 ओके, नंबर 24 और 13 लॉक कर दो। देखिए बार-बार बोल रहे हैं आप, कर दें पक्का। हां मैं कंफ्यूज लग रहा हूं, फिर आप इंसानों वाली गलती कर लेंगे ना। इनको मैं पहले भी 60,00,000 रुपए गवा दिए। आप 13 मैं कह रहा हूं 13 ही बोलो, लेकिन जब तक 1 करोड़ है गेम स्ट्रांग चल रहा है। बिल्कुल है, चलें 24 एंड 13 ओके। नंबर 24 और नंबर 13 ये दो बैग्स खुलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले पारस ने दो बैग्स चूज किए थे, आइए देखते हैं उनमें क्या है। नंबर 24, प्लीज ओपन इट। नंबर 24 में मथीरा ने क्या पसंद किया है इनके लिए, देखते हैं। 750,000, वेरी गुड। 7,50,000। नंबर 13, जो कि भाई ने बताया था, प्लीज ओपन इट। और ये नहीं खुलवाना चाह रहे थे, 50,00,000 रुपए। 75,00,000 के बाद 50,00,000 भी गोरियां देनी चाहिए। 50,00,000 भी आपने निकलवा दिए, 75,00,000 भी निकलवा दिए। ये अभी तो है ना, 1 करोड़ तो है ना, वो निकलवाने, ठीक है, वो निकलवा के लेके ही जाने, वो लेके जाने। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से आप खेल रहे हैं लग नहीं रहा नहीं, मिशन कुछ और लग रहा है। नहीं नहीं, निकल क्या है, भाइयों की बनती है आपस में, बनती है, फटा फटा तो नहीं रहा। नहीं नहीं है, नहीं नहीं, जिस किस्म से वो आपको बता रहा है ना, उससे लग नहीं रहा है। हेलो, हाँ, ओके, वेरी क्विकली पारस साहब, 29,00,000, यस और नो? नो नो नो, 29,00,000 नहीं, आई थिंक अभी भी 1 करोड़ है। क्यों, जो 29,00,000 से ऊपर दो बैग्स हैं आपके पास, 40,00,000 और 1 करोड़। नहीं लेकिन 40 भी है, व्हाट मेक्स यू सो श्योर कि आपके बैग में 40 या 1 करोड़ हो सकते हैं? लकी नंबर है, माइट बी हो, शायद स्वैप भी कर सकते हैं ना, वो वाला ऑप्शन है ना, स्वैप भी है अभी। हां हां, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देन बताइए क्या करना चाहेंगे? नो डील, नो डील, हेलो, यस, 29,00,000 नहीं चाहिए, यस, नहीं अभी जो मिल रहा है, यस, आगे चांस है, मिले ना मिले कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अगली डील अगर 35 की हुई तो अंकल क्या लगता है आपको, 29,00,000 लेने चाहिए अभी? डील नहीं, अभी नहीं लेने चाहिए। अंकल कोई लैंडलॉर्ड टाइप की पर्सनालिटी लग रहे हैं भाई मुझे। है, ऐसा ही है ना, बिजनेसमैन है ना। हाँ अंकल कह रहे हैं खुद कमा लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं। चले फिर बताइए, डील और नो डील? नो डील, बंद कर दीजिए डब्बा। ओके, इट्स अ नो डील, हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब इस राउंड में खुलेंगे 3 बैग्स, 2 बैग्स पारस खुलवाएंगे और 1 मथीरा। बताइए कौन से होंगे पारस, आपके 2 बैग्स? अगर आपने सोच लिया तो आप पहले बता दें मथीरा। नंबर 1, ओके, इन्होंने बताया है जी नंबर 1। कोने में खड़ी हुई है इसलिए। इनके भाई का नाम आपको पता है क्या है? क्या है? मिर्दान, मित्रान, 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 मित्रान का मतलब है लवर, लवर। ओह यस, दैट्स अ नाइस नेम। कौन सी जुबान है ये? हमारी जो है थरी जुबान है, थरी, थरी, इट्स दोस कंगन कंगन कंगन, वो राजस्थानी होते हैं, वो राजस्थानी होते हैं, वो राजस्थानी, राजस्थानी रजवाड़े की जुबान होती है। ओके, तो व्हाट इज थरी? थरी ठाट की लैंग्वेज जुबान है, ये हमारी लैंग्वेज जो इंटीरियर में जो बोली जाती है, इंटीरियर की लैंग्वेज। सिंधी? या आई एम सिंधी। ओके, आप छोड़े ना, जो भी आपको इंग्लिश में मतलब बता दिया ना, लवर है, खत्म हो गई कहानी। जी पारस साहब, कौन से होंगे 2 बैग्स? 20 एंड 6, ठीक है भाई, 20 और 6, 20 और 6 बोला, 23 और 6, 23 और 6, कब से 23 23 23, चले 23 एंड 6, 23 एंड 6 हो गए फाइनल। मथीरा दीजिए एडवाइस, आपकी प्रीशियस एडवाइस। नंबर 1 आपने नंबर 1 कह दिया ना, इसके अलावा, और इन्होंने 23 और 6 कहा है। 23 और 6 में से किसी एक बैग में एक ऐसा अमाउंट है जो कि नहीं निकलना चाहिए। वही बोल रही हूँ, गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है ना, मथीरा को भी ऐसा लग रहा है, आपको क्यों लग रहा पारस? 23 में डाउट है अभी, 23 में डाउट है, चेंज कर लें? नहीं चेंज यार, अभी की अमाउंट से 40,00,000 निकल जाएंगे तो क्या करोगे? चलिए 23 को छोड़ देते हैं, 6 खुलवा दो। ठीक है, 6, 23 की जगह कौन सा खुलवाएं फिर? 11, कौन सा है इसके अलावा? 11 11 है, 17 है, 20 है, 25, 17 26, बहुत बैग्स हैं, 17 खुलवा दे। मुझे लगता है 6 में भी कुछ बड़ी अमाउंट है, 6 को भी छोड़ दो, कोई दोनों को छोड़ दो फिर, दोनों छोड़ दो, हाँ। 9 एंड 20, 9 एंड 20, यस, so now it's 1, 9 and 20, yeah, ठीक है, yeah, okay, number 1, please open it. $2,00,000, very good. Number 9, open it. $2,50,000. Number 20, open it.
4 लाख, क्या बात है। तीनों बैग्स बड़े ही जबरदस्त निकल गए पारस, और अब चार्ट पर आपकी फेवर में गेम चल रही है। अब 10,000 और 3 लाख, 5 लाख, ये तीन बैग्स निकल जाएं तो आप यहां से बन के जाएंगे मिलियनेयर। यस, ये कम से कम अमाउंट रह जाएगा 10 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। लेकिन अभी भी 3 बैग्स हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनमें से कोई एक बैग अगर आपके पास हुआ तो आप घर क्या ले जाओगे? कुछ भी नहीं। इसलिए बैंकर आपको देगा एक डील, आप लीजिए वो डील अगर आपको डाउट है तो। क्या ख्याल है? Let's try. Hello? Okay. 29 लाख आपको ऑफर दी गई थी, आपने कहा नहीं, नो डील। अब लीजिए 31 लाख 50,000 अभी। क्योंकि आपके बैग में 10,000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। डील तो नहीं। क्यों? डील नहीं, बैग एक्सचेंज करना ऑफर है ना ये? नहीं, बैग भी एक्सचेंज। तीसरी बड़ी ऑफर है। हाँ, काफी बड़ी ऑफर है। 31 लाख बैग भी एक्सचेंज नहीं कर रहे। बैग भी एक्सचेंज नहीं करना। बैग एक्सचेंज नहीं करना, यू श्योर? यस। हाँ, उन्हें लगता है उनके बैग में 1 करोड़ रुपए हैं और चार्ट पे भी 1 करोड़ रुपए हैं। लेकिन लगना और होने में बहुत फर्क है। क्या पता इनके पास 1 करोड़ रुपए हो, आपको भी तो लग ही रहा है कि इनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। क्यों भाई, मतीरा को लग रहा है आपके बैग में 1 करोड़ रुपए नहीं है? लकी नंबर है, माइट बी हो। मैं अभी भी लक पे चल रहा हूँ। अभी तक लक पे चल रहे हैं तो बताइए क्या कीजिएगा। 31 लाख 50,000 बड़ा अच्छा अमाउंट है। आई थिंक सोचना चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के? 21। तो ये कमाने में ठीक ठाक लग जाएगा। अब्बा बिजनेसमैन है। नहीं, फिर भी बाबा की वजह से ये तो कह सकते हैं अब्बा बिजनेसमैन है। ये थोड़ी कह रहे हैं अब्बा हारमोनियम बजाते थे। नहीं, यहाँ तो कह सकते हैं अब्बा बिजनेसमैन है। नहीं, ये बात उन्हें सोचनी चाहिए जिनके अब्बा हारमोनियम बजाते थे। नहीं, फिर भी बताइए। इट्स अ गुड डील। इट्स अ गुड डील, बट वी हैव 40 लाख एंड 1 करोड़। तो नो डील में लोग बहुत सारी चीजें हारे। तो नो डील या नो डील, बंद कीजिए डब्बा, हम बढ़ाते हैं गेम को आगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो डील, हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब खुलेंगे 2 बैग्स, दोनों बताएंगे पारस। 2 बैग? हाँ, 2 बैग। नंबर 17 और 6। नंबर 17 और 6। 6 पे है ना, मुझे लगता है कुछ है। मत खुलवा 17 के अलावा। 23 है, 25 है, बहुत सारे। मैं 17 बोल रहा हूँ, आप बताइए आगे। 23। और अगर 17 में गड़बड़ निकली तो? वो तो फिर जो ये भी लेंगे उसमें भी हो सकती है गड़बड़। चले चले चले। कौन सा बैग पारस, कौन सा बैग? 25 एंड 17. छोड़ने पड़ेंगे, फिर क्या रह गया? 6 और 23 तो हमने छोड़ रखा है ऑलरेडी। 11 भी हमने छोड़ रखा है क्योंकि उसमें भी लगता है बड़ा अमाउंट है। 10 and 26. ओके, ये 2 बैग भी छोड़ दिए गए हैं तो नंबर 10 देखते हैं इसमें क्या है। प्लीज ओपन इट। 10 लाख रुपए चले गए। नंबर 26, ओपन इट। 5 लाख रुपए भी चले गए। चलो ये अच्छा, ये अच्छा हुआ कि 5 लाख 10,000 अटके हुए हैं। That's scary, 10,000। 10,000 और 3 लाख तो अभी बाकी हैं। 1 करोड़ भी है, 40 लाख भी हैं। आपके बैग में क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। हेलो, ओके। देखिए पारस साहब, अब सिचुएशन ये है कि आपके पास 2 बैग्स ऐसे रह गए हैं जिनमें छोटे अमाउंट्स हैं, जिनमें से मतीरा को लगता है कि कोई एक बैग आपके पास है। okay. यानी अगर उनकी सोच के हिसाब से देखा जाए तो एक बैग वहां छोटे अमाउंट का है। जो बैग आप खुलाएंगे धनाधन बड़े अमाउंट्स खुलने वाले हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो अगला बड़ा अमाउंट है 40 लाख का। बैंकर आपको इस वक्त कह रहा है 35 लाख, 35 लाख रुपीज ले, छोड़ें गेम और जाएं घर, जो कि 40 लाख से काफी करीब है। I think that he should take it. क्या कहोगे मित्रान? मेरे हिसाब से डील अभी भी नहीं, अभी भी खेलो। इस बंदे के हिसाब से तुम खेलो ही नहीं। 75 लाख निकलवा दिए, 50 लाख निकलवा दिए,
60 लाख नहीं खुलवा दिए सब मैंने ही खुलवाए और क्या भाई 50 लाख नहीं बताया था 75 लाख नहीं बताया था इतने बड़े अमाउंट अगर नहीं निकलवाए होते तो ऑफर अच्छी आती नहीं बट आई थिंक 35 इज अ वेरी वेरी गुड ऑफर एक करोड़ के बाद हाईएस्ट अमाउंट क्या है 40 लाख और 40 लाख 5 लाख कम हुए तो क्या हुआ 35 और 40 में क्या फर्क है आई थिंक दे शुड गो फॉर द डील 40 पे डील करोगे 40 पे डील करोगे सेकंड हाईएस्ट अमाउंट 40 लाख डील करनी है 40 पे नहीं अभी भी नहीं 40 पे भी नहीं 40 पर आप डील नहीं मान रहे 40 लाख आज अगर तुम्हारे में बहुत ज्यादा है बहुत बड़ा अमाउंट है बहुत कुछ हो सकता है नहीं मेरे हिसाब से अभी खेलना चाहिए इसको अच्छा भाई इसकी ख्वाहिशात बड़ी है जी आप काम करते बिल्कुल क्या काम करते हैं कितने टाइम में आप जॉब कर रहा हूं जॉब कर रहे हैं ओके कितने टाइम में आप 40 लाख बना लेंगे टाइम तो लगेगा लेकिन उसको खेलना चाहिए अब खेल खेल क्या पता 40 लाख मिल जाए खो देगा खेलने में इतने सारे बिगाड़े होते हैं एक करोड़ का एक बैग है हमारे पास 6 बैग्स हैं पता नहीं किस बैग में 1 करोड़ रुपए रखे हों उसके बाद अगर 1 करोड़ आपके पास नहीं होते तो सेकंड हाईएस्ट अमाउंट 40 लाख है 35 लाख की आपके पास डील आई है आपसे मैं पूछ रहा हूँ 40 लाख पे डील करेंगे तो बैंकर अभी बता देगा 40 लाख है या नहीं है खैर जो किस्मत में होगा तुम खेल लो मेरे हिसाब से डील नहीं लो चलो भैया ये तुम्हारा सत्यानाश करने आया नहीं नहीं सत्यानाश ही मैं अच्छा सोच रहा हूँ ये आंटी देख रही है क्या कर रहा है ये लड़का आपका बेटा छोटे बेटे तो लाडले होते हैं आप क्या कर रही हैं बड़े बेटे को समझाएं बताएं इनको अरे बताएं आंटी आज आज आप बताएं लगा दें एक झापड़ मैं तो कहता हूँ बच्चों को अच्छा लगे वो सही है जो बच्चा कह रहा है वो सही है दोनों बच्चे अलग अलग बात कह रहे हैं कौन सा वाला सही है कौन सा वाला सही है दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं पारस को चांस में तो पारस कर ले पारस करेगा अबे पारस नो डील नो डील बंद कर दो डब्बा ओके इट्स अ नो डील हम दुआ करते हैं कि आपने अच्छा फैसला किया हो दो बैग्स खुलेंगे अब बल्कि चलें आपकी थोड़ी सी मदद कर देते एक बैग मथीरा से खुलवाते आप दो बैग्स खुलवाएं तो इस राउंड में खुलेंगे टोटल अब 3 बैग्स ओके मथीरा पहले आप अपना बैग बता दीजिए पहले ये बताएं सोच लूं चलें एक बैग आप बताएं पारस फिर मथीरा बताएंगी फिर आप बताइएगा इट्स लाइक टेबल टेनिस तू रख ले 25 ठीक है जी 25 11 नंबर 11 25 तीसरा 23 11 25 23 नंबर 11 प्लीज ओपन इट 10,000 गए वेरी गुड नंबर 25 प्लीज ओपन इट 20 लाख भी चले गए नंबर 23 प्लीज ओपन इट जा रहे और 40 लाख भी गए अब लच्छी नहीं आई हेलो 3 लाख 25 लाख 1 करोड़ ओके जनाब 35 लाख आपको ऑफर दी गई थी आपने कहा नहीं अब आपकी ऑफर गिर रही है और अब आपकी ऑफर है 25 लाख 25 लाख ले और जाए अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं नहीं पर 25 लाख तो पड़ा भी है ना तो 25 लाख तो पड़ा है लेकिन ये वहां है या यहां है ये थोड़ी पता है आप लोग के नहीं 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 वहां है या यहां है ये थोड़ी पता है किसके पास है अभी 3 लाख भी है फॉर्म करना चाहिए और अभी 1 करोड़ भी है क्या पता 1 करोड़ आपके बैग में हो भाई ये क्या पता इसके ही बैग में है 1 करोड़ मुझे ऐसे ही लग रहा है इसके बैग में और अगर दोनों बैग खुलवा दें नहीं होगा मुझे फिर इंसान गलती कर लेता है वो वाली चीज हो जाती है भाई अगर इतना ही श्योर हो तो दोनों बैग खुलवा देता हूं छोड़ो डील हां डील छोड़ दो डील छोड़ दे अभी भी छोड़ दो 25 लाख निकल सकते हैं अगर इसमें हो तो बात तो वही होगी डील लेना फायदा नहीं फिर अगर 1 करोड़ भी हो गए तो तभी प्रॉफिट है तो मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर नो डील करें यस नो डील बंद करें डब्बा ओके इट्स अ नो डील और अब हम ये दोनों बैग खुलवा दें आपने एक्सचेंज नहीं करना है No exchange. कोई exchange नहीं. पक्का. Done. ऐसा ही है. ठीक है फिर भी हम आपको टाइम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. You after a very short break. तब तक आप सोचिए.
वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर। और अब आखिरी बार पारस साहब, एक्सचेंज करना है या बैट खुलवा दूं? खुलवा दूं यस। खुलवा दूं या एक्सचेंज? नहीं एक्सचेंज नहीं, खुलवा कोई एक्सचेंज नहीं, खुलवा दूं बिल्कुल। लॉक या लॉक? ओके जी, कर दिया हमने लॉक। फिर एक बार पूछ रहा हूं, लॉक? यस लॉक। लॉक अब हो गए फाइनली लॉक। अब ऑडियंस को अगर लगता है ना एक्सचेंज करना चाहिए था तो तालियां बजा के बताएं। कितनों को लगता है एक्सचेंज करना चाहिए था? ऑडियंस में से काफी लोगों को, अरे मथिरा को भी लग रहा है क्या एक्सचेंज करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। अब देखते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। मथिरा बताइए कौन सा बैग खुलवाऊं 17 और 6 में से? फसाओ मेरे को। नहीं मैं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी कमिटेड। अच्छा वो वाला फसाना था। छह नंबर चले नहीं फसाते आपको। नंबर 17 खुलवा लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं नहीं अब खोल लो, छह नंबर 17 खोलने तो है, खोल ले। अच्छा कौन सा खुलवाऊं? जिसका आपने रोका भी था कि यार मुझे इसमें कोई बड़ा अमाउंट लग रहा है, मैं नहीं खुलवाना चाह रहा। हाँ इसने रोका था मुझे, तो फिर आपने एक्सचेंज क्यों नहीं किया इस सिक्स को? लेकिन अब क्या फायदा? अब देख लेते हैं। अब तो फायदा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ मैं पुरानी मेमोरी जो है वो रिवाइव कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहा था कि इसमें बड़ा अमाउंट है, जब नहीं खुलवाएंगे तो फिर एक्सचेंज के टाइम आप कर रहे हैं। एक्सचेंज कर ले इस लकी नंबर। नहीं अब तो हो भी नहीं सकता, अब तो लॉक कर दिया। लॉक ताले की चाबी है और उस चाबी से अब ये बैग खुलने लगा है। नंबर 6 प्लीज ओपन इट। पारस साहब मुझे बड़ा अफसोस है, आपके सपने टूटने लगे हैं, 1 करोड़ रुपए चले गए। बोल भी रहा था। क्या बोल रहा था भाई? हो गई तसल्ली। क्या बोल रहा था? क्या मैंने यही तो बोला था। सबसे पहले आपने बोला कि एक्सचेंज नहीं करना। नहीं एक्सचेंज तो नहीं करना। तो फिर 6 खुल गया है, यही होगा ना जब मना करोगे तो? नहीं। अब क्यों भाग रहे होगे? नहीं बोल भी रहा था। कब बोल रहा था? ओ इतना बोल हमारे चैनल में नहीं बोलते जिसका नाम बोल है। मैं बोल भी रहा था। किसको? दिल में बोल रहा था भाई, हम में से किसी ने नहीं सुना। आपने सुना मथिरा? एक्सचेंज कर लेते कितना मैं 6 बार पूछा, मैंने फाइनल के बाद भी पूछा, मैंने कहा पक्का ना भाई नहीं करना एक्सचेंज। लेकिन खैर किस्मत अपनी मेहनत की जो बिल्कुल, यानी अगर हम ज्यादा पैसे जीते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी है, और हम कम पैसे जीते तो हमारी किस्मत खराब है, ये सोचा है? डील्स आ रही थी वो भी किस्मत थी ना, अगर हाँ बोल देते तो आप भी जाते। चले अभी भी कुछ मैं मथिरन की लॉजिक समझना चाह रहा हूँ कि अगर हम कम पैसे जीते तो हम बदनसीब हैं, हमारी किस्मत खराब है, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर आप क्यों ज्यादा की लालच में खेल रहे थे? ज्यादा की लालच में नहीं, जो आपकी किस्मत में लिखा होगा आपको वही मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आपको ज्यादा मिला तो आपकी किस्मत अच्छी है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? कम भी मिला तब भी अच्छा है, जो कम भी मिला तो अच्छा है, फिर भी आपने डील नहीं की ये सब जानने के बावजूद। एग्जैक्टली। ओके तो अब आपके नंबर 2 में 25 लाख हैं या 3 लाख, ये पता करने का वक्त आ गया है। जिनको लगता है इसमें 25 लाख है जरा तालियां बजा के बताएं। तुम्हारे अपने भाई को भी नहीं लग रहा, तुम्हारे अब्बू को भी नहीं लग रहा, कजन को भी नहीं लग रहा। जिन्हें लगता है इसमें 3 लाख है वो बजाते तालियां भाई। तुम्हारे भाई को भी लग रहा है, मथिरा को भी लग रहा है, सबको लग रहा है। फिर ऐसा क्यों? फिर ये सितम तुमने अपने साथ क्यों किया मेरे दोस्त? किस्मत फिर किस्मत, ये किस्मत बेचारी लकी नंबर परेशान होती होगी, लकी नंबर कहीं कोने में बैठी सोच रही होगी लानत है तेरे ऊपर, मैं तो वहां फ्रेंच फ्राइज खा रही हूं, इनके साथ रियलिटी में मेरे ऊपर लगा रहे हैं। नहीं इनके साथ रियलिटी में दो नंबर ही हुई है। हां दो नंबर। अच्छा हां इनका नंबर 2 था लकी नंबर, तो मथिरा कह रही है इनके साथ 2 नंबर ही हो गई। चेक कर लेते हैं, क्या पता 25 लाख हो गई, क्या पता 25 लाख लेकर जाओ, हो सकता है 25 लाख ले जा रहा है। ऐसे खोलेंगे भाई ये नंबर 2, देखते हैं इसमें क्या है, आप यहां से क्या ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं मथिरा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत सपोर्ट की इन्हें, और आपकी बात इन्होंने ना मान के अपना कितना नुकसान किया है वो हम अभी दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच पारस साहब, यहां से जो भी लेके जाओगे लकी आप रहोगे, आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि करोड़ों लोगों ने ट्राई किया स्टार प्लेयर बनने की, उनमें से चूज किया गया आपको कुरानदाजी के जरिए, किस्मत ने ही आपको चूज किया है, सो यू आर द लकी वन। और आप यहां से ले जा रहे हैं आज 3 लाख रुपए, 25 लाख वहां है, खोलिए उस डब्बे को जो के है नंबर 17, देख लीजिए कैसे होते हैं 25 लाख, ऐसे होते हैं। ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया पारस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके 3 लाख रुपए, और थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने देखा कि एंड टाइम के ऊपर लग इन्हें भी रहा था
कि वहां कुछ है, पर अपनी जिद और अपने लकी नंबर के साथ अड़े रहने का नुकसान इन्होंने खुद उठाया है। अगली बार जब आप स्टार प्लेयर बनकर आए, आपको यह मौका मिले, तो सोच लीजिएगा कि आपका लकी नंबर हो सकता है आपको बचाना चाहता हो, जैसे कम अमाउंट उसमें ही हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।